अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी वीडियो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, और ये हमें सजेस्ट की है किसी ने कि बहुत इमोशनल है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसका टाइटल है बाबा मेरे प्यारे बाबा। और ये ट्रिब्यूट होने जा रहा है उन बच्चों के लिए, उन सबके लिए जो 2014 जो एक अटैक हुआ था पाकिस्तान पेशावर स्कूल में, उसके ऊपर ये ट्रिब्यूट दिया है। एक बच्चे ने खुद इसे गाया है और ये वीडियो उस टाइम पर मतलब काफी ज्यादा फेमस हुई थी पाकिस्तान में, और अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, अब देखते हैं इस छोटे से नन्हे से बच्चे की आवाज में ये सॉन्ग सुनेंगे, सो लेट्स बिगिन। थोड़ा बहुत बाल कैसे सही कर रहे हैं अपने। अब उस अटैक में से बच्चे ही थोड़ी, पेरेंट्स भी बहुत सारे बच्चों के, जो टीचर्स होंगे, जो वहाँ स्टाफ होगा। क्या बात है, कितना इनोसेंट बच्चा, मतलब बहुत प्यारा लगा है।
बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बस हम क्या कहें इसके बारे में, क्योंकि जो अटैक हुआ था 2014 में, मतलब पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में, और वो कितना ज़्यादा बुजदिल लोग थे जिन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ वो सलूक किया, वो दुनिया शायद कभी नहीं भूल पाएगी। कोई भी जिसने वो अटैक देखा है, सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, हाँ, और जो सर्वाइव कर गए उस अटैक के बाद, उन्हें तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, उन्होंने अपने आँखों से वो सारी चीज़ें देखी हैं, इतना बुरा इंसिडेंट ज़िंदगी भर एक बुरे ख्वाब की तरह याद रहेगा। जिसे कहते हैं, हमने सिर्फ फुटेजेस देखी थी, पूरी वॉल्स रेड पेंट हो गई थी, जिसे कहते हैं ब्लड से, इतना ज़्यादा ख़तरनाक फुटेजेस थी कि हम मतलब देखते भी थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि कौन ऐसा बुजदिल हो सकता है। फिर इस पे एक गाना भी आया था कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है बच्चों जो बच्चों से लड़ता है। तो वाकई में बच्चों से लड़ करके कौन जीता है आज की दुनिया में, इतने इतने बच्चों से लड़ करके उनको समझा कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये बच्चे हैं इतनी इतनी सी उम्र की, उनसे लाख गुना ज्यादा ताकतवर हैं कि आज भी अपने पैरों पे खड़े होकर दुनिया के सामने एक मैसेज दे रहे हैं। और फिर उसके बाद इस अटैक में सिर्फ बच्चों के ही नहीं, उनके जो पेरेंट्स होंगे, जो वहाँ का स्टाफ होगा, न जाने कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खोए होंगे, कितने बच्चों माँ बाप ने अपनी औलाद को खोया होगा। तो ये सॉन्ग जो है उन दोनों को ही ट्रिब्यूट है। और उस इसकी जो गाने की जो लिरिक्स थे ना, जिसने भी बनाया होगा, बहुत बच्चों के लिए छोटा सा एक सॉन्ग बना दिया गया है, पर इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज भी था और एक इमोशनल टच था, एक तकलीफ, एक दर्द छुपा हुआ था। एक तरह से बच्चे भी माँ बाप को याद कर रहे हैं और माँ बाप भी बच्चों को याद कर रहे हैं। वो मंजर जो है वो हम किसी भी स्टोरी के थ्रू या सॉन्ग के थ्रू देख तो लेते हैं, पर उसको देखने के बाद जो इंसिडेंट जिस माँ बाप के ऊपर या जिस औलाद के ऊपर गुजरा होगा, वो सिर्फ उसे ही फील कर सकते हैं और उसका दर्द वही महसूस कर सकते हैं। बेशक। सो ये था आज का हमारा रिएक्शन। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी हमें वीडियो सजेस्ट करने के लिए, बहुत अच्छी थी। बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसने इतना अच्छा गाना गाया है। मुझे तो उसका स्टाइल अच्छा लग रहा था, बाल ऊपर करने का, काफी इनोसेंट था, बहुत प्यारा था। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।